यूपी के हाथरस में हुए दुष्कर्म व हत्या मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश समता सैनिक दल ने यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे निंदनीय और अमानवीय घटना करार दिया है। हिमाचल प्रदेश समता सैनिक दल ने यूपी सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। समता सैनिक दल ने उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक अध्यक्ष देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश समता सैनिक दल ने एक रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यूपी घटना के विरोध में नारेबाजी कर पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की। साथ ही उन्होंने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन अधिकारियों द्वारा जबरन वाल्मीकि समाज की बेटी का दाह संस्कार किया गया है। इस कृत्य के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। राज्य अध्यक्ष दिलीप राम ने बताया कि यूपी के हाथरस में दरिंदों ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी जीभ काटी और रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी गई। ये बेटी अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग हार गई। उन्होंने कहा कि जब इस बेटी की मौत हुई तो उसके बाद यूपी पुलिस द्वारा आधी रात को ही अंतिम संस्कार किया गया, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि जिन्होंने भी इस दरिंदगी को अंजाम दिया है उन्हें जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाया जाए। तो वहां की सरकार, वहां की पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने कुछ भी नहीं किया और बेटी जो है जब दिल्ली हॉस्पिटल गए और बड़े शर्म की बात है एम्स हॉस्पिटल में उसको जगह नहीं दी गई। उसके बाद जो सफदरजंग हॉस्पिटल में जाकर जो है उसने अपना दम तोड़ा है। आज यूपी सरकार जो है बड़े शर्म की बात है जब उसकी डेथ हुई है उसके बाद जो है आधी रात को जो उसको शव जलाने की जो प्रशासन ने शव जलाया गया। और ये कौन सी ऐसी नौबत आई थी उस सरकार को कि शव जो आधी रात को जाए परिजन को नहीं सौंपा गया। हमारा समाज पूरा हिमाचल प्रदेश का जो है इसकी निंदा करता है। हम जो है मांग करते हैं आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से हम राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को हम एक ज्ञापन भेज रहे हैं जिसमें हम जिन दरिंदों ने जो है ये हरकत की है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए ये मांग करते हैं। और हम जो पुलिस प्रशासन है जिन्होंने आधी रात को जो है वहां पर हमारी बेटी के शव को चलाया है उनके ऊपर भी कार्रवाई भारत सरकार करें। और हम मांग करते हैं कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि जो है राहत राशि दी जाए और उसके परिवार को जो है एक घर से जो है एक सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं युवती किरण ने बताया कि यूपी में हुए इस हादसे को लेकर सभी बहनें एकत्र हुई है। उन्होंने कहा कि वे अपनी बहन को न्याय दिलाने की मांग करते हैं। सबसे अनुरोध है आज मेरी सारी बहनें यहाँ पे इकट्ठी हुई है इसीलिए हमारी वो भी हमारी बहन थी मनीषा उसे उसके लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए न्याय दिलवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं हम सब। तो हम सब यही चाहते हैं उसे जल्दी से जल्दी उसे न्याय मिले और भारत हमारा सरकार से यही अनुरोध है यूपी पुलिस को जल्दी से जल्दी यूपी पुलिस पर कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी। बहुजन समाजवादी पार्टी के एमएल साहनी ने बताया कि यूपी में जो घटना घटित हुई है वे निंदनीय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व योगी सरकार दोनों ही बेटियों की सुरक्षा के लिए असफल रही है। उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो दिया गया लेकिन बेटियों को बचाया नहीं जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला में निशा बेटी के साथ जो मतलब गैंग रेप हुआ है उसकी जीभ काटा गई है उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई है ये मानव समाज में बहुत ही निंदनीय और मतलब जो है बहुत ही घिनौना कार्य हुआ है। और हिमाचल प्रदेश बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रपति महोदय से डीसी के माध्यम से आज विज्ञापन देने आ रही है कि हम ये निम्नलिखित 4-5 जो है डिमांड कर रहे हैं। पहली डिमांड ये है कि बेटी मनीषा के दोषी को जल्द से जल्दी जो है फांसी की सज़ा कोर्ट के माध्यम से दिलाई जाए और ताकि बेटी मनीषा को इंसाफ मिले। और ये उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं है, बारंबार जो है बेटी सुरक्षित नहीं है। इसलिए दूसरी हमारी मांग ये है कि बेटी मनीषा के परिवार को उचित मुआवजा मिले। और बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश आपसे ये भी निवेदन करती है मतलब राष्ट्रपति जी से कि उत्तर प्रदेश की सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए क्योंकि कानून लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जो है तहस नहस हुआ है। और चौथा हमारा पॉइंट ये है कि जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिलता तो बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश में न्याय के लिए लड़ती रहेगी। और पाँचवा
आपको ये कि उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले जो बलरामपुरा में भी आज एक बेटी के साथ बलात्कार और निर्मल हत्या का मामला सामने आया है, इसके लिए भी बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश की महामहिम राज्यपाल से निवेदन करती है कि इस बेटी को भी न्याय मिले। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।